भवसंभवभीतिभेदनं सुखसंपत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपःक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। मंदिरमां विराजमान अपना सब कोयना वाला वाला घनश्याम महाराज, पूज्यपाद स्वामी, देव स्वामी, विश्वप्रकाश स्वामी, विवेक स्वामी वगैरह वाला संतो वाला सर्वे भक्तजनों, सर्व ने जय स्वामी नारायण। आज श्रावण महीना में जन्माष्टमी ना उत्सव निमित्ते अपने सब अहीं एकत्रित थया छे। संतो ये बधाए खूब भगवान महिमा कीधो, भगवान कार्यनो महिमा कीधो। घनश्याम स्वामी सरस मजाना कृष्ण परमात्मा चरित्रों संभळाव्या। अला भक्तो, कृष्ण भगवान कीधो से कि जारे जारे अधर्म ने ग्लानि थाय त्यारे त्यारे हूँ जन्म लउं छूं। तो अधर्म जारे व्यापे त्यारे परमात्मा अहींया कोई पण स्वरूपनी अंदर अवतार धारण करता होय छे। आपणा भारत देशनी अंदर त्रण अवतारों महान कहेवाय छे। एक रामचंद्रजी परमात्मा, एक कृष्ण परमात्मा, एक भगवान स्वामी नारायण सर्वोपरि श्रीहरि। आ त्रण अवतारों मुख्य कहेवाय छे। रामचंद्रजी भगवान से मर्यादा पुरुषोत्तम कहेवाय छे। कृष्ण परमात्मा से लीला पुरुषोत्तम कहेवाय छे। ज्यारे स्वामी नारायण भगवान छे एने आपणे सौ कोई पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण कहीए छीए। कारण के रामचंद्रजी भगवान जारे आ पृथ्वी पर मनुष्याकृति धारण करी त्यारे एने मर्यादा जाळवी छे। ए अवतार में परमात्माए आपणने ए शीखव्युं। पूज्यपाद गुरुजी पधार्या छे, ताळी नाळाथी वधावीए। तो रामचंद्रजी भगवाने आपणने मर्यादामां केम रहेवू ए मर्यादा शीखवाड़ी छे। भगवान आ मनुष्यलोकमां ज्यारे आवे छे त्यारे मनुष्यने केम जीवन जीवू, केवी रीते रहेवू ए शीखवाड़ता होय, अने साथे साथे अनंत जीवोना उद्धार पण करता होय छे। तो रामचंद्रजी परमात्माए आपणने जीवन केवू जीवू, केवी रीते समथी रहेवू, केवी रीते आज्ञापालन करवू, आवू जीवन एने जीवी बतावू, एटले ए मर्यादा पुरुषोत्तम छे। ज्यारे कृष्ण परमात्मा से लीला पुरुषोत्तम नारायण छे, एमणे बधी लीलाओ ज करी छे। अने भगवान जे कांई क्रिया करे, कर्म करे ने एने बधाने लीला कहेवाय। माणस एवू करवा जाय ने तो एने लीला न कहेवाय, भवाड़ा कहेवाय। एनु कोई गान न करे पण भगवान जे कोई क्रिया करे एनो मनुष्य गान करे तो एनो आत्मकल्याण थाय। कारण के कृष्ण परमात्माए गीताजीनी अंदर कीधु से भगवानना चरित्रों केवा, केवी रीते गावान, केवा मानवा। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन ने कृष्ण परमात्मा एम कहे छे कि हे अर्जुन, मारा जन्म अने कर्म बधुं दिव्य छे। एने जे दिव्य माने से ये बधा दिव्य बनी जाए से, अने फरीने एने पासो जन्म लेवो पड़तो नथी। एटले प्रभुना जे अवतारो छे ये अवतार कार्यमां जे काई एने क्रिया करी से, कर्म करेला से, एनु जे गान करे ए जीवात्मानु कल्याण थाय छे। तो लीला पुरुषोत्तम नारायण छे, एने बधी लीलाओ करी, लीलाओ करी साथे साथे असुरोनो संहार कर्यो, अने केटलाय भक्तोने सुख आप्यो। गोपीओने सुख आप्या, गुवाळोने सुख आप्या, बीजा केटला भक्तोने सुख आप्या, पांडवोने सुख आप्या, अने असुरोनो संहार कर्यो। आ कार्य कृष्ण परमात्माए कर्युं। हमणां ज वात करी हती पूर्ववक्ताए के जन्माता जेलमां भगवानने तो जन्म के मरण काई होतुं, ए तो गमे त्यांथी गमे त्यारे प्रगट थई शके छे, पण काईक निमित्त बनावता होय छे। एटले गोकुळनी अंदर, मथुरानी अंदर जन्म पायमा, अने उत्सव क्यां थयो? गोकुळमां थयो। ए भक्ति परमात्मानी लीला छे।
કેટલા અવરોધો હતા એ બધા જ ટળી ગયા. ભગવાન જ્યારે પધારે છે ને ત્યારે ભગવાનને માયા કોઈ પ્રકારનો બાધ કરતી નથી. ભગવાનને તો સામાન્ય માયા છે ને એ સહાય કરે છે. એટલે કૃષ્ણ પરમાત્માનો આજે જન્મદિવસ છે, અષ્ટમીનો દિવસ છે. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માના સરસ મજાના ચરિત્રો હમણાં ઘનશ્યામ સ્વામીએ કીધા, એવા કૃષ્ણ પરમાત્માનો આપણે 12 વાગ્યે જન્મોત્સવ કરવાનો છે. વાલા ભક્તજનો, આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ઉપાસક છીએ. મહારાજે જેવા કૃષ્ણ ભગવાનને ઉત્સવ કર્યા હતા ને એવા જ ઉત્સવો ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપણને કીધા છે. એ ઉત્સવો આપણે કરીએ છીએ અને એ ઉત્સવો દ્વારા હજારો લાખો જીવોના કલ્યાણ થાય છે. આ તો કોરોના કાળ છે એટલે ઓછા હરિભક્તો છે, નકર કોરોનો ન હોય તો આપણે કેટલા હરિભક્તો અહીંયા આવતા ને કેટલા લાભ લેતા હતા. એટલે આપણને ભગવાનની, આપણી ઉપર ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા છે. આપણને આવા પુરુષોત્તમ નારાયણ મળ્યા છે, આવા મંદિરો મળ્યા છે, આવા પૂજ્યપાદ ગુરુજી જેવા સંત મળ્યા છે, સંત મંડળ મળ્યું છે, આવો હરિભક્તનો સમૂહ અને આવા ઘનશ્યામ મહારાજ આપણને રૂપાળા રૂપાળા મળ્યા છે. તો વાલા ભક્તજનો, બેદરકારી રાખ્યા વિના, આળસને ગાફલાય રાખ્યા વિના, કથા વાર્તા સત્સંગનો યોગ રાખી અને આપણે પણ આ જન્મને સફળ કરી ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણના અક્ષરધામમાં પહોંચી જવું છે. એટલું કહી અને વિરમું છું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.